हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट सेक्स डिटरमिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन वो डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने जितने भी सिस्टम है, जीनिक बैलेंस थ्योरी है, वो सब डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट सेक्स डिटरमिनेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसा नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट आता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके का जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, उसमें किसी भी तरीके का जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यानी कि ये जो है क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट है प्योरली बेस्ड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि यहाँ पर जब मेलनेस और फीमेलनेस की बात आएगी तो ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। यानी कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में जो मेल या फीमेल, मतलब या मेल और फीमेल दोनों को कंटेन करता है, बट वो एक्सप्रेस किसी एक को करेगा, या मेल को या फीमेल को, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आता है एंड कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी टू सेक्सेस। यानी कि ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेस करता है मेल या फीमेल को। इसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आता है टेम्परेचर, जो कि ऑल्सो जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है सैलिनिटी। नेक्स्ट है फोटो पीरियड, यानी कि लाइट का कितना पीरियड मिल रहा है किसी प्लांट को या इन्वायरमेंट को, तो वो भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है पीएच, देन आता है डेंसिटी एंड देन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। ये सब डिटेल में, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझने के लिए आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है पूछे जा सकते हैं कि ये किस किस में होता है और इस टाइप का डिटर्मिनेशन किस में होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में अगर लो टेम्परेचर उसको मिलेगा तो वो फीमेलनेस को इंड्यूस करेगा, और अगर इसे हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये इंड्यूस करता है मेलनेस को, राइट। नेक्स्ट आता है टर्टल। टर्टल में अगर टर्टल को टेम्परेचर अगर मिलेगा बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये मेलनेस में इंड्यूस होता है, और अगर इसको टेम्परेचर मिलता है अबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, तो ये फीमेलनेस, मतलब ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बिटवीन 28 डिग्री टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो है इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। मतलब अगर लो मिल रहा है या हाई मिल रहा है, तो अगर इक्वल मिल रहा है दोनों को टेम्परेचर, अगर दोनों के बीच में मिल रहा है इक्वल टेम्परेचर दोनों को, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ मरीन फिश, जिसका नाम है मेड्यूसा। अगर ये कोल्ड वाटर में रहती है तो मेलनेस को प्रोड्यूस करती है, और अगर ये वार्म वाटर में रहती है ये फिश, तो ये जो है बेसिकली फीमेलनेस को ऑप्ट करती है। यानी कि इसकी बॉडी जो है फीमेल जो है पार्ट बनाती है, राइट। तो इस तरीके से जो है इन्वायरमेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और मोर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।